भरपूर एक्सरसाइज कर रहे हैं, टिकट होल्डर्स को मिल, टिकट जिन्होंने एप्लीकेंट्स को मिल रहे हैं, और हमारा पिछला तकरीबन 3 हफ्ते इसी काम में गुजरे हैं। आइंदा अभी 3-4 दिन और भी, या शायद मुमकिन है उससे भी ज़्यादा, इस काम में गुजरेंगे। तो बड़े अरसे के बाद, बड़े वक्फे के बाद हम सब इस तरह से आपके सामने बैठे हैं। तो वक्त बहुत उसमें बड़ा उतार चढ़ाव आया, मुश्किल वक्त भी आया, हुकूमत के बाद फिर मुश्किलात भी बहुत आईं, और सब कुछ आपके सामने है। एक पूरी कहानी है वो, जिसको रोज़ रोज़ बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सारे प्रोसेस से हम गुज़रे हैं, और फिर आज यहाँ बैठे हैं, यहाँ पहुँचे हैं इस मकाम पर। दोबारा हमने तो जो हम पे गुज़री सो गुज़री, लेकिन जो मुल्क पे गुज़री है उसका दुख मेरे ख़्याल हर पाकिस्तानी को है, मुझे भी है, एक आम गरीब आदमी को भी है, और एक अमीर आदमी को भी है, कि मुल्क किस गिरदाब में फंस चुका है। और आपको मालूम होगा कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था, 2017 की बात है, तो मुल्क खुशहाली की तरफ दौड़ रहा था, और ना कोई महंगाई का नामो निशान था, ना पाकिस्तान के अंदर कोई पसमानदगी थी, लोग बेरोज़गारी से निकलकर रोज़गार की तरफ आ रहे थे, और लाखों लोग साल में रोज़गार हासिल कर रहे थे। इसी तरह से जो है वो गुरबत की लकीर से लोग निकल रहे थे बाहर, और पाकिस्तान तरक्की के लिहाज से इस खित्ते में सबसे आगे था, रुपया हमारा मजबूत था। ये जो रोज़ आप अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी पे सुनते हैं कि डॉलर फिर महंगा हो गया, फिर महंगा हो गया, फिर महंगा हो गया, 4 साल डॉलर एक पैसा भी महंगा नहीं हुआ, और रुपया बिल्कुल अपनी जगह पे बरकरार रहा। तो महंगाई भी नहीं थी, रोटी 4 रुपए की मिलती थी, और आटा, दाल, सब्जियां, चीनी, हर चीज़ जो है वो पहुंच में थी। मेरी गुजारिश ये है कि ये पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाएगा। और इस खित्ते में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सबसे आगे हम थे, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, लेकिन न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे मुल्क को। जब भी कोई तरक्की का काम दौर शुरू होता है, तरक्की का दौर आता है, तो 4 दिन तरक्की के बाद फिर 10 दिन हम फिर पीछे चले जाते हैं, 1 स्टेप आगे लेते हैं, 4 स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो ये हादसे हमारे साथ पहली दफ़ा नहीं हुए, ये हादसा पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले कई मरतबा हम इन हादसों से दोचार हो चुके हैं, लेकिन अब किससे कोई गिला करे। बहुत हमने सारा आज जो दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, जाली केसेस जो बने थे उन ख़त्म हो गए हैं, 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका, और इन्हीं जाली केसेस में मैंने, मरियम ने अपने केसेस में, और फिर शहबाज साहब ने अपने केसेस में जो इनके ख़िलाफ़ थे, ये बाएं दाएं सब वो बैठे हैं जिनके ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाए गए, मैंने 150 के करीब, मरियम ने मैंने पेशियां भुगती और सज़ा पाई, झूठे केसेस में सज़ा पाई, और वही सज़ाएं जो हैं आज हाई कोर्ट में
उन्होंने कहा जी कि इसका तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उठा के बाहर फेंका इन केसेस को। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि झूठे केसेस बनाने की क्या ज़रूरत थी। एक बेटे से इतना तनख्वाह लेने पर आपने वज़ीर आज़म को निकाल दिया, ये कहाँ होता है, दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा होता है? मुझे कोई नाम बता दे कि किसी मुल्क में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ हुआ और आपने सबने देखा। और आज कहाँ गई वो सजाएं? आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई है 25 साल के लिए, मुझे 25 साल इस उम्र भर के लिए नायल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और वो कानून भी हमारा कोई नहीं है, वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखने के बाद उन्होंने फैसला, पता नहीं कहाँ से डिक्शनरी आई वो, उसमें देखकर तो उन्होंने फैसला सुना दिया। ये तो कहाँ होता है कि एक इलेक्टेड 25 करोड़ आवाम के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इस तरह के बंदे बैठ के, चार पांच बंदे बैठ के तो उसको घर भेज दें, वजारत उज़्मा की कुर्सी से उतार दें? ऐसा तो नहीं होता, ना होना चाहिए। यही वजूहात हैं कि हम आज बिल्कुल उस मकाम पे खड़े हैं जो कि दुनिया में शायद हमारे जैसे चंद ही और मुल्क होंगे। यानी कि दुनिया की अपना ममालिक की फहरिस्त देखें, आखिर में हम हैं। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है सवाए हम खुद, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, हमने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी हैं। वरना आज ये मुल्क तो न जाने कहाँ पहुंचा होता। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। तो ये इस तरह से तो नहीं चल सकता मामला। बिजली की लोड शेडिंग आप देखते हैं 2013 में कितनी शदीद थी, उसको हमने आके ख़त्म किया। आसान काम नहीं था बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करना, और वो भी 4 सालों के अंदर अंदर। और इसी तरह से हमने दहशतगर्दी को ख़त्म किया, अपने दौर में ख़त्म किया। कराची में हम उनको बहाल किया, ये लाहौर में आप में से भी बहुत सारे सफ़र करते होंगे, ये मेट्रो बस और ये ऑरेंज लाइन किसने बनाई है? वरना क्या होता था, घर से पैदल जाते थे लोग, आगे से कोई बस पकड़ते थे, बस के बाद फिर आगे से रिक्शा पकड़ते थे, और फिर डेढ़ डेढ़ घंटे में अपने दफातर में पहुंचते थे। आज एक एंड से बस चलती है, 15-20 मिनट में आपको वहां पहुंचा देती है और आपको चलना भी नहीं पड़ता। और सस्ते किराए, ये सब कुछ किसने किया? ये पहले तो नहीं था इस मुल्क में, कभी था ये पहले ऐसे? फिर आया, फिर किसने रुपये कोई बाकी सबने बताए नहीं, हमारे अलावा और किसने बनाई है? कोई बताए तो सही कि मैंने, कोई कह दे कि मैंने ये बनाई है। और उस जमाने में हमारे, मैं खुद गया था जब मैं वज़ीर आज़म बना, 2014-15 की बात है, इस्लामाबाद में मैं वहाँ गया आप पारा में, तो सब्जियों की दुकानें थी, आम अपना जो अशिया की दुकानें थी, तो मैंने पूछा ये इसका आलू का क्या रेट है, तो इसका फलां का सब्जी का क्या रेट है, पालक का क्या रेट है। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी, 10-10 रुपए किलो, और 4 रुपए की रोटी थी, और आज 20 रुपए की रोटी मिलती है। तो आप मुझे बताएं कि ये उसके बाद फिर आप देखें ना, हमें निकाल के, और फिर वो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा है कि नवाज शरीफ को
कहा गया कि इनको निकालें। मरियम नवाज शरीफ को हमने आपने मुझे कहा गया, उसने कहा कि मुझे कहा गया कि आपने इनको जमानत नहीं देनी, इनको बाहर नहीं आने देना, इनको जेल में रखना है। और इसलिए कि हमारी 2 साल की मेहनत वरना नाकारा हो जाएगी। वो 2 साल की क्या मेहनत थी? वो 2 साल की मेहनत आप जानते हैं कि उस एक ऐसे शख्स को लाना था इक्तदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था, यानी हमें निकालना था उसको लाना था, ये एजेंडा था। तो हमें निकालने के लिए बेटे से ना तनख्वाह लेने वाला अकामा इस्तेमाल किया, पनामा से अकामा पे आ गए और उसको लाने के लिए उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और उसको ले आए और देखें उसने क्या मुल्क का भट्टा बिठाया होगा। ये महंगाई उसके आने के फौरन बाद शुरू हो गई, बिजली फौरन बाद महंगी हो गई, हर चीज जो है ना उसमें हर चीज लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। ये सारा कुछ उसके दौर में हुआ है। हमारे दौर में तो लोग कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा दौर चल रहा है, अगला इलेक्शन भी नवाज शरीफ जीतेगा। मैं अभी इस इलेक्शन की तरफ नहीं आया, मैं तो पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, पिछले इलेक्शनों की बात कर रहा हूँ। तो मैं अब उस तरफ मजीद जो है ना वो गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि हर कौम जिसने तरक्की की है उसने ख्वातीन को तरक्की में तरजीह दी है, तरक्की के लिए ख्वातीन को इस्तेमाल किया, आगे लेके आए हैं और ख्वातीन की कौमी तरक्की में भरपूर शमूलियत से ही हम अपने तरक्की के हदफ को पूरा कर सकेंगे। सेहत और रोज़गार और तालीम के प्रोग्रामों में आपको तो बहुत एक मुनफरद मकाम हासिल है, तो मैं समझता हूँ कि ख्वातीन को बराबर का शरीक बनना पड़ेगा तरक्की के लिए। मर्दों के शाना बशाना ख्वातीन को भी इस मुल्क की खिदमत में जो है ना वो आगे आगे काम करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये हम तो समझते हैं कि ख्वातीन को आगे लाना पाकिस्तान के साथ ये इंसाफ के तकाजे पूरे करने वाली बात है, और हमेशा ख्वातीन को पीछे रखा जाता है, लेकिन ख्वातीन को आगे लाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे वैसे ही खुद ब खुद हल हो जाए। तो इस्लाम भी ख्वातीन के हकूक और तहफ़ की बात करता है और हमारे मुआशरे के अंदर ख्वातीन के ख़िलाफ़ एक तासुब मौजूद है, उस तासुब को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान बनाने की तहरीक में ख्वातीन ने जिस तरह से किरदार अदा किया है वो हम सब जानते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर वो काम ख्वातीन हमारी कर सकते तो बाकी ये कौन से मुश्किल काम है। मुल्क के अंदर अगर तालीम को आम करना है तो इसमें ख्वातीन एक की रोल प्ले कर सकती है, मर्दों से ज़्यादा बेहतर रोल अदा कर सकती है। ख्वातीन माशरती तरक्की में मर्दों से बेहतर रोल